जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आप सबों के बीच यह अजवाइन पत्री का पौधा बहुत से मित्रों को पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाते हैं, तेल मसाले की अधिकतर चीज़ें खाने से हमारी ऐसे भी लीवर कमज़ोर हो जाती है, और आजकल जो बाज़ारों से मिलावटी सामान मिल रहे हैं उसके कारण जो कि हमारे खान पान में बहुत तरह की व्याधियां बीमारियां उत्पन्न होती है, अधिकतर वात रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस पत्ते को अगर काढ़ा बनाकर आप लेते हैं प्रतिदिन, कम से कम कंटिन्यू 30 दिन लगातार, और सामान्य भोजन करते हैं, तो आपकी पाचन शक्ति मजबूत होती है और जितने भी तरह के वात रोग हैं आपके सभी नष्ट हो जाते हैं, यह प्रमाणित है। किसी बच्चे का अगर पेट दर्द देता है तो वह बच्चा अक्सर दो ही चीज़ से रोता है, या तो उसे भूख लगी हो, या तो उसका शरीर में कहीं दर्द हो, पेट दर्द हो, या पसली लगी हो, इस कारण बच्चा रोता है। तो उस जगह क्या करना है, इसके पत्तों को पीस कर उसके नाभि में लेप करना है और थोड़ा सा रस उसे चटा देना है, तो देखेंगे वह बच्चा थोड़ा ही देर में रोना बंद हो जाएगा और उसकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है पेट में, वो सभी दूर हो जाती है। यह प्रमाणित है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और हर घर में इसे लगाना चाहिए। यह बहुत ही अच्छी, इसके पकोड़े भी खाने से, पकोड़ा भी तलकर इसका खाया जाता है, जो कि पाचन क्रिया को सही करती है और स्वादिष्ट भी बनती है। यह बहुत आसानी से लग जाती है, इसके डंठलों को अगर तोड़ के अगर ऐसे भी गाड़ दिया जाए तो यह आसानी से लग जाती है, यह अजवाइन पत्री। इसके जड़ों को अगर जिनके नाभि बार बार टलते हों तो उसे भी अगर कमर में धारण करा दिया जाए तो उनका नाभि जो टलता है बार बार वो भी दूर हो जाते हैं और वात नहीं बन पाता। तो इसका प्रयोग करें जन कल्याण हेतु। धन्यवाद। जय महाकाल।